हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हम कॉनिक सेक्शंस टॉपिक चल रहा है और कॉनिक सेक्शंस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं कॉनिक सेक्शंस के कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर हम फोकस करेंगे कि एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि फाइंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। आपके पैराबोला मैं दे रहा हूँ यहाँ पे वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4y-4x। ये आपके पास में पैराबोला है। आपको इसकी क्या फाइंड करनी है? आपको इसकी फोकस फाइंड करनी है कि इसका फोकस क्या है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है, आप इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाइए। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 4y-4x इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि ये जो पैराबोला है ये सब डबल पावर y में है, इसलिए इसका जो x का कोफिशियंट होता है वो होती है इसकी लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ x का जो है माइनस 4 का मॉड ले लीजिए, दैट इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो यहाँ पर अपने पास में आ चुका है लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल्स टू 4। नाउ अब हम जानते हैं कि हम 4a जो x का कोफिशियंट होता है दैट इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ x हुआ करता है। 4a इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ x, तो 4a इज इक्वल्स टू, मैं कंपेयर करता हूँ माइनस 4 से, तो a इज इक्वल टू मेरे पास उठ चुका है कितना, माइनस का 1। a इज इक्वल टू मेरे पास है माइनस 1, और हमें क्या निकालना है, इसका फोकस निकालना है। अब हमें वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। तो वर्टेक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y करने पे। जो डेरिवेटिव आएगा उसको 0 से कंपेयर कीजिए। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसी को हमको डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा 2y-4 इक्वल टू 0, मतलब 2y इक्वल्स टू 4। ओके, और यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है मैंने, ये प्लस 4x हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, तो कोफिशियंट ये जो है लेटेस्ट रेक्टम 4 है, और 4a इज इक्वल्स टू प्लस 4 हो जाएगा ये, और a इज इक्वल टू प्लस 1। बहुत बड़ी गलती हुई थी यहाँ पर, इसको सुधार लीजिएगा। सो यहाँ पे 2y-4 इक्वल टू 0। ओके, सो 2y-4 इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल्स टू कितना आ चुका है मेरे पास, 2। y की वैल्यू यहाँ पे 2 आ चुकी है। y की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू यदि आप यहाँ पे डालते हैं तो x की वैल्यू देख लीजिए, तो y की वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4x इक्वल्स टू 0। सो 2 का स्क्वायर 4-4 टू ज़ा 8 प्लस 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास वर्टेक्स आ चुका है। तो वर्टेक्स क्या होता है हम जानते हैं, वर्टेक्स इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, और एक्स की वैल्यू आई है 1 और वाई की वैल्यू आई है कितनी, 2 आई है। यस, तो इसका वर्टेक्स आ चुका है हमारे पास 1,2। अब फोकस के लिए हम जानते हैं कि फोकस के लिए क्या तरीके से सॉल्व करते हैं, कि जो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं इक्वल टू वर्टेक्स माइनस 1,0, ये हुआ करता है। तो वर्टेक्स आपके पास कितना आया है, 1,2 माइनस 1,0 जो है, आप उसको क्या लिख सकते हैं, 1,0। ए अपने पास है कितना, 1,0। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो फोकस आएगा फाइनली 1-1 यानी 0,2, हमारे पास ये फोकस निकल करके आ जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है, 0,2 जो है आ चुका है। और यदि आपसे कोई बोले कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी है, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स का मॉड हुआ करता है। और कोफिशियंट ऑफ एक्स यहाँ पर 4 है, तो 4 का जो मॉड आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास जो है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी हमारे पास आ चुका है। हेलो, ओके, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी हमारे पास 4 है। चलिए, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं, बिल्कुल इसी के जैसा ही। चलिए, क्वेश्चन है आपको निकालना है वर्टेक्स ऑफ
पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस एट एक्स प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर में ये डबल पावर है, ओके। ये जो है इक्वेशन एक्स स्क्वायर में डबल पावर है। तो सबसे पहले अगर आपको इसको, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर इसका हमें वर्टेक्स चाहिए है, ओके। वर्टेक्स के लिए इसको हमको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, बिकॉज ये एक्स में डबल पावर है। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं वर्टेक्स निकालने के लिए। चलिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिए रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर ये कितना हो जाएगा मेरे पास, टू एक्स प्लस, ये तो जीरो हो जाएगा, और माइनस का एट इक्वल टू ज़ीरो। सो टू एक्स इक्वल्स टू एट, इट मीन्स एक्स इक्वल टू फोर। ये एक्स की वैल्यू आ गई है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, इसको फर्स्ट ले लीजिए। तो बाई फर्स्ट एक्स की वैल्यू डालिए, तो एक्स का स्क्वायर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, प्लस टू वाई माइनस एट, फोर जा 32, प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो, ओके। तो टू वाई माइनस का 16 प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो, टू वाई माइनस नाइन इक्वल टू ज़ीरो, टू वाई इज इक्वल्स टू नाइन, इट मीन्स वाई इक्वल्स टू 9/2। तो ये मेरे पास वर्टेक्स आ चुका है 4,9/2। तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्टेक्स क्या होता है, 4,9/2, ओके। अब यदि मैं जानना चाहूँ फोकस क्या है, ओके, तो फोकस के लिए मैंने आपको देखा ये कि यहाँ पर ये जो है कोफिशियंट जो है आपके पास एक्स में है, तो आप वाई का कोफिशियंट देखेंगे, बिकॉज एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई की स्ट्रक्चर बनती है स्टैंडर्ड में। तो वाई का जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे वो कितना है, टू है, ओके। सो यहाँ पे देखिए, अगर आप बात करेंगे लेटेस्ट रेक्टम डैट इज इक्वल्स टू कोफिशियंट ऑफ वाई, तो टू, ओके। तो ये हो जाएगा लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल्स टू टू हो जाएगा। नाउ फोर ए इक्वल्स टू टू हो जाएगा, सो ए इक्वल्स टू टू बाई फोर, मीन्स ए इक्वल्स टू 1/2। ये आ गया ए। अब आपको फोकस निकालना है, तो फोकस के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आप जानते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स माइनस, ओके, वर्टेक्स माइनस, इसमें क्योंकि वाई एक्सिस वाला है तो 0, a, ये कंडीशन बनेगा 0, a। अगर एक्स एक्सिस के लिए होता है तो ए कॉमा जीरो, और वाई एक्सिस के लिए हो जाएगा 0, a। तो वर्टेक्स आया है 4,9/2, और माइनस 0, a कितना है अपने पास में, 1/2, ओके। तो देखिए अपने पास आंसर आएगा वर्टेक्स का फोकस का 4,9 माइनस 1/2 मतलब 8/2, और 8/2 भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो दिस इज़ बेस्ट आंसर, ये इसका बेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड द एक्सेस ऑफ पैराबोला, एंड द एक्सेस ऑफ पैराबोला। आपके पास एक कोई पैराबोला दिया जा रहा है आपके सामने, और उसमें कह रहा है कि इसके लेटेस्ट रेक्टम यानी कि नाभिलंब जीवा और एक्सेस ऑफ पैराबोला का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालिए। तो पैराबोला की जो इक्वेशन दी गई है वो दी गई है वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू वाई माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये देखिए, ये जो पैराबोला है आपके पास में, ये पैराबोला जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स का बाद में रूप ले लेगी, मतलब एक्स का कोफिशियंट जो है यहाँ पे फोर ए बनेगा, ओके। सो एक्स का कोफिशियंट फोर है, सो आई कैन राइट फोर ए इज इक्वल्स टू फोर, सो ए इज इक्वल्स टू वन, ए इज इक्वल्स टू वन। और नाभिलंब सॉरी और यदि मैं बात करता हूँ इसकी नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो वो कितनी होगी, फोर होगी। तो मैं नाभिलंब जीवा की लंबाई फोर हो जाएगी, ए इज इक्वल्स टू वन आ चुका है। अब देखिए, क्योंकि वाई में डबल पावर का है, तो इसके वर्टेक्स निकालने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, इसको अवकलन करना पड़ेगा वाई के पदों में। तो वाई का हो जाएगा टू वाई, फोर एक्स का हो जाएगा जीरो, फिर टू वाई का हो जाएगा टू,
इज इक्वल टू ज़ीरो, सो टू वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू, तो वाई इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का वन। वाई का मान रख दीजिए यहाँ पर, तो एक्स का मान आ जाएगा, तो वाई का मान माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, इसको आप समीकरण एक ले लीजिए। तो बाई इक्वेशन नंबर वन, वाई स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर इंटू एक्स प्लस टू इंटू माइनस वन मीन्स माइनस टू और माइनस एट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा अपने पास एट और टेन, और तो फोर एक्स माइनस नाइन इक्वल टू ज़ीरो, तो फोर एक्स इक्वल्स टू नाइन, सो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया नाइन बाई फोर। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है, मतलब जो हमारे पास वर्टेक्स होंगे, ओके, इस पैराबोला के वर्टेक्स जो होंगे वो कितने होंगे, नाइन बाई फोर कॉमा माइनस वन, ओके, ये इसके वर्टेक्स हैं। हमसे क्वेश्चन क्या कहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेटस रेक्टम, अगर कोई भी पैराबोला है और उसकी लेटस रेक्टम है, ये हालांकि एक्स की तरफ जाएगा, अगर कोई भी पैराबोला है उसकी लेटस रेक्टम ये होती है, इसकी लेटस रेक्टम, और इसकी एक्सिस के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या बोलते हैं, इसका हम फोकस बोलते हैं। तो कुल मिला के हमें इसका फोकस निकालना है, और हम जानते हैं कि ऐसे इक्वेशंस के लिए जो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं, दैट इज इक्वल टू वर्टेक्स माइनस ए कॉमा जीरो। तो वर्टेक्स हमारे पास कितना आ चुका है, वर्टेक्स आ चुका है नाइन बाई फोर कॉमा माइनस का वन, और माइनस ए कॉमा जीरो कितना है मेरे पास, वन कॉमा जीरो। तो नाइन बाई फोर माइनस वन कितना आ जाएगा, फाइव बाई फोर, और माइनस वन माइनस जीरो कितना आएगा, माइनस वन, तो इसका आंसर होगा फाइव बाई फोर कॉमा माइनस वन। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलने के पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि देखिए, ये जैसे कोई पैराबोला मेरे पास बना हुआ है, तो वर्टेक्स से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ए, दैट्स वाई ये पॉइंट होता है ए कॉमा जीरो, और इस डिस्टेंस का चार गुना, वर्टेक्स से लेके फोकस तक की दूरी का चार गुना क्या होती है, लेटस रेक्टम, क्या होती है, लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम कितनी होती है, फोर ए। और एक बात मैं और बता दूं कि जितना आगे वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स से फोकस होती है, उतनी ही पीछे क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि नियता। डायग्राम बहुत गंदा बन गया, ये लीजिए नियता, मतलब अगर ये पॉइंट ए कॉमा जीरो है तो ये पॉइंट क्या होगा, माइनस ए कॉमा जीरो, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी होती है, टू ए। इसका कहने का मतलब है कि फोकस से ले करके डायरेक्ट्रिक्स तक के बीच की दूरी का डबल क्या बनेगा, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम इज इक्वल टू टू टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स। तो इस पर भी एक क्वेश्चन आया, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इस पर बेस्ड हम करते हैं अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ओके। देखिए पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 3.3। आपको बताना है कि कोई पैराबोला है जिसकी जो फोकस है वो क्या है, 3.3 है, ओके, 3.3 फोकस है, और डायरेक्ट्रिक्स इसकी जो है वो दी गई है, डायरेक्ट्रिक्स इसकी दी गई है 3x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू जीरो, 3x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो अभी अभी मैंने बताया कि फोकस से लेकर के डायरेक्ट्रिक्स तक की दूरी को हम क्या समझते हैं, इसको हम समझते हैं 2a, और अगर आप इसका डबल कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा, ओके। आप इसका डबल कर देंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। आपसे पूछा गया है कि बताइए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा। तो चलिए देखिए, आपके पास में फोकस तो दिया गया है, और आपके पास में जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है वो दिया गया है 3x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो जल्दी से मैं यहाँ से फोकस से लेकर के यहाँ तक की दूरी निकाल देता हूँ, इसको सपोज मैंने fm कह दिया है, तो क्या हो जाएगा, ax1 वन मीन्स 3 इंटू 3 माइनस by1 4 इंटू 3 प्लस c यानी कि माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सो यू कैन राइट इट 3 3 9 माइनस 4 3 12 माइनस 2, और 16 9 25 का कितना आ गया, 5 आ गया। ये देखिए 12 और 2 14 होता है, 9 माइनस 14 अपॉन 5 मॉड लगा होता है क्योंकि डिस्टेंस खेल रहे हैं हम लोग, सो माइनस 5/5 कितना आ गया है, 1, ओके। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1। तो अब आपको चाहिए है कि इसका डबल कर देंगे, क्योंकि मैंने अभी भी बताया आपको कि जो लेटस रेक्टम होता है वो डायरेक्ट्रिक्स से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस का डबल हुआ करता है,
सो आंसर डायरेक्ट्रिक्स की जो लेंथ निकलेगी, सॉरी जो लेटस रेक्टम की जो लेंथ निकलेगी वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ वन, सो दैट विल इक्वल टू टू। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, इसका आंसर टू आएगा।